नमस्कार, आप सभी का अपने इस चैनल में पुनः स्वागत करता हूं और अपने उन साथियों या उन छात्रों को शुभकामनाएं देता हूं जो एलटी ग्रेड 2018 की प्रतीक्षा सूची में थे। उनमें से 914 लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो गया है और जल्दी जल्दी उनको फाइनल कॉलेज में अलाट हो जाएं, यही शुभकामनाएं देता हूं। और उस लोगों की जो सिलेक्ट हुए हैं उनकी आप लिस्ट उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.up.nic.in पर जाकर के आप देख सकते हैं। जब आप उसे साइट को खोलेंगे तो शुरुआत में आपके लेटेस्ट न्यूज़ या व्हाट न्यूज़ के नाम से एक कॉलम है, उस कॉलम में पहले नंबर पर यही लिस्ट पड़ी है जो प्रोविजनल सिलेक्टेड कैंडिडेट असिस्टेंट टीचर 2018 के नाम से पड़ी हुई है। आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप वहाँ पर नहीं पा रहे हैं, लिस्ट नहीं डाउनलोड पा रहे हैं, तो हम इसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहां भी जाकर के उस लिस्ट को देख सकते हैं, अपना नाम चेक कर सकते हैं, अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। और 8 विषयों का मामला रिजल्ट हो गया है तो वो सब लिस्ट वहां पर पड़ी है। और इसके लिए हम शुभकामना यानी धन्यवाद बोलते हैं अपने प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष जी का, जो उन्होंने अथक प्रयास किया आपकी इस प्रतीक्षा सूची को निकलवाने में। और वो प्रयासरत हैं कि नया विज्ञापन जो एलटी ग्रेड और जेएससी लेक्चरर 2023 का है, उसके लिए भी वो प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी उसका अर्हता संबंधित मामला शासन स्तर तो रिजॉल्व हो गया है, लेकिन लोक सेवा आयोग को उसका कुछ भी विवरण प्राप्त नहीं हुआ है। गवर्नमेंट की तरफ से निर्देश या इंस्ट्रक्शन नहीं मिले हैं, इसलिए वो नया विज्ञापन नहीं निकाल पा रहे हैं। जैसे ही उनको ये जानकारी या लेटर प्राप्त हो जाएगा शासन की तरफ से, वो नया विज्ञापन निकाल देंगे। हमको ये लगता है कि आपका नया विज्ञापन लास्ट जुलाई या अगस्त की तरफ निकलने की अधिकतम संभावना है। यदि कोई न्यू अपडेट आएगी तो आपको अवश्य सूचित कर देंगे। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका मन हो तो मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार साथियों।